अभी अभी आप जो सुनने वाले हैं यह आचार्य चाणक्य के द्वारा दी गई बातें। सफलता, जीवन में सफलता सभी को चाहिए, लेकिन मिलती कितने लोगों को है? केवल 5% लोगों को मिलती है। 100 में से केवल 5% लोगों को ही सफलता मिलती है। क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यह है कि केवल 5% लोगों को ही सफलता का वास्तविक रहस्य मालूम है कि वास्तव में सफलता है क्या चीज़ और इसे हम प्राप्त कैसे करें या इससे हम पहुँचे कैसे, इसका रास्ता क्या है सफलता का। तो सबसे पहले यह जानना होगा कि सफलता क्या है, ठीक ना, सक्सेस क्या है, ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है। तो सबसे पहले सुनिए, लक्ष्य क्या है। सफलता हम उसे ही कहते हैं या फिर लक्ष्य उसे ही कहते हैं, लक्ष्य को पहुंचने का रास्ता क्या है उसे ही कहेंगे जब हम लक्ष्य, कि आपको मालूम है कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका ध्येय क्या है, आपका एम किधर है, एक फिक्स एम है, और आपको यह भी मालूम है कि उस एम तक पहुंचने के लिए मुझे कितने रास्ते चलने होंगे, कितना समय लगेगा, उस रास्ते में जाते वक्त मुझे कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, उस रास्ते में मुझे कितनी बार असफलता झेलना भी पड़ सकता है, सारा का सारा ब्यौरा आपको लेके चलना होगा। और आपको ये भी देखना होगा कि मुझे इतने समय तक कहाँ पहुँचना है और उतने समय तक कहाँ पहुँचना है और सफलता के लिए मुझे कितना समय लगेगा। तो सारा का सारा जब आप संपूर्ण उसके समक्ष सारा का सारा ब्यौरा रख के आप जब किसी की बारे में ध्येय लगाते हैं तब उसे ही सफलता कहते हैं। और सफलता का सीक्रेट क्या है, कुंजी क्या है, जो अब मैं बात करने वाला हूँ, सबसे मुख्य बात कि सफलता की चाबी क्या है। तो सफलता की चाबी यही है कि आप जो भी सोचते हैं, जिस भी चीज़ के बारे में सफल होना सोचते हैं, केवल उसी के बारे में सोचें, उसे अपने अंग में बसा लें। स्वामी विवेकानंद का आपने कथन सुना ही होगा। और एक चीज़, सफलता का केवल एक ही चीज़ होता है, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता की सिर्फ एक चीज़ है, क्या है वो मैं बोलने जा रहा हूँ। सफलता की केवल एक ही चीज़ होती है, सुनिए ध्यान से, क्या होती है? मेहनत। सफलता चाहिए तो मेहनत देना पड़ेगा, मेहनत के सिवा कुछ नहीं होगा। सिर्फ आप हार्ड वर्क दीजिए और साथ ही आपको स्मार्ट वर्क भी देना पड़ेगा, केवल हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा। सफलता चाहिए तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों पढ़ना पड़ेगा। थैंक यू। आचार्य चाणक्य के द्वारा दी गई इन बातों को मैं आज आपके सामने प्रस्तुत किया। धन्यवाद।